वक्त हम अबू धाबी के भव्य हिंदू मंदिर में मौजूद हैं और अब हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं और इस मंदिर को जब आप देखते हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतना सुंदर मंदिर है, एक बार जरा ऊपर अगर आप देखेंगे इस पूरी कलाकृति को और जिस तरह से यहाँ नक्काशी की गई है, मतलब शंख, सूर्य, जो देवी देवता दिखाए गए हैं, सब कुछ ऐसा लगता है कि जीवंत हैं। और आप यहाँ पर आएँ तो सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं, ऐसा लगता है कि कितनी देर मंदिर को भी देखते रहें। तो उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ये पूरे मंदिर का दौरा करके मंदिर के बारे में बताने के लिए, सर अपना नाम बताइए। जी, योगी त्रिवेदी। योगी त्रिवेदी, प्रोफेसर योगी त्रिवेदी जी हैं। सर एक बार थोड़ा मंदिर को जब हम देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कितना इसमें आदमी डूब जाए, देखे, कुछ खास ध्यान रखा गया है कि इतना मंदिर जो है वो आकर्षित करता है इतना? आप इसका जो शिल्प काम है वो देखेंगे तो एक भक्ति का प्रतीक है। आप नजदीक जाएंगे तो आपको देखेंगे संत लोग, भक्त लोग, जैसे यहाँ अलग अलग जो हमारे अवतारे हैं, देवी देवताएं, सभी की मूर्तियों का यहाँ समन्वय हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक संप्रदाय, कोई महाभारत, रामायण, सभी को इकट्ठा करके, सभी को साथ में रख के उसका समन्वय, हारमोनी की जो बात है यहाँ दिखती है शिल्प कला में। नजदीक जाएंगे तो आपको दिखेंगे कि जो डिटेल से काम किया है, नक्शी का जो काम किया है, वो एक भक्ति का प्रतीक है बिल्कुल। और एकदम ऐसा लगता है जीवंत है। मैं आपको थोड़ा मूर्तियों के बारे में भी दिखाऊं। गोपाल जरा इधर दिखाइए, क्योंकि जब हम पिछली बार इस मंदिर में अंदर आए थे 2 दिन पहले, तब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और सबसे पहले मैं आपको जो मुख्य स्तंभ है उसके नीचे जो मूर्ति लगी है, ये सबके बारे में बताते जाइए। जी, ये भगवान स्वामीनारायण, जो सेंट्रल श्राइन है मंदिर का, गर्भगृह है, उसमें भगवान स्वामीनारायण और उनके साथ गुणातीतानंद स्वामी जो उनके अनुगामी थे, उनकी मूर्तियां रखी गई है। तो स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण का स्थान तो भगवान स्वामीनारायण का स्थान ऐसा है कि वो इष्ट देव है। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो अभी आप देख रहे हैं कि ये सब दर्शनार्थी भगवान स्वामीनारायण का जो श्रृंगार किया गया है, वो ऊपर द्वार सोने का बनाया गया है, उनके मुकुट सोने के, सिंहासन है वो सोने का है। वो जो आप आभूषण भी देख रहे हैं, आज कुछ खास है क्योंकि जो मूर्ति प्रतिष्ठा का दिन है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, उस दिन पे जो भगवान का जो उनको जो अलंकृत किए जा रहे हैं, उनका जो श्रृंगार किया है, वो कुछ अलग होता है। हर रोज ऐसा नहीं दर्शन होते हैं। मुझे एक चीज और बताइए, मैं दर्शकों को भी दिखाऊंगा। मैंने ये महसूस किया कि हर स्तंभ के नीचे जो मूर्ति है, शिखर के नीचे, वहां पर जैसे यहाँ स्वामीनारायण जी की मूर्ति है, उसके नीचे भी एक छोटी मूर्ति रखी गई है, उसकी वजह क्या है? तो उसको चल प्रतिमा कहते हैं। वो जो हमारे जो गुरु है महंत स्वामी महाराज, वो हर जगह जो जाते हैं वो ये भगवान की मूर्ति उनके साथ लेकर जाते हैं। तो उनकी जो हर रोज का जो सेवा, पूजा, भक्ति का जो वो है क्रम, वो ये मूर्ति के साथ करते हैं। अच्छा, इसीलिए देखिए हर मूर्ति को आप देखेंगे वहां पे चल प्रतिमा भी है और वो आपको जो बड़ी सी मूर्ति है वो भी नजर आएगी। मैं थोड़ा सा आपको इधर लेकर आता हूँ। अब दूसरे शिखर के नीचे यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति है, जरा गोपाल ये दिखाइए। ये भी बहुत भव्य उनका जो आसन बना हुआ है, नीचे चल मूर्ति को देख रहे हैं और आप चल प्रतिमा को देख रहे हैं, और इनके बारे में बताइए। राधा कृष्ण भगवान के बारे में तो क्या कह सके, पूरा देश जानता है। लेकिन यहाँ इसलिए रखा गया है कि इनकी मूर्ति, अयप्पा स्वामी जी की मूर्ति, बालाजी की मूर्ति, ये सब जो मूर्ति रखी है इसलिए कि हर एक जो हिंदू आता है, हर एक जो सनातनी आता है, उसको कहीं एक गर्भगृह में तो इनका दिल लग जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म की, सनातनी धर्म की प्रतिमा ये कि भगवान एक है लेकिन अनेक स्वरूप में हम उसकी पूजा करते हैं। तो अनेक स्वरूप को यहाँ रखे हैं, उनकी मूर्तियां रखे। हाँ, यहाँ पर तो जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ विराजमान है। और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा भाव आएगा कि आप पुरी में ही मौजूद हैं। बिल्कुल वैसा ही भाव है। और इतनी सुंदर प्रतिमाएं आप देखिए, लोग जो है यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, कितने भाव से दर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सामने से देखना और कैमरे में देखने का फर्क जो है वो नजर आता है। सामने से आप देखेंगे तो आपको लगेगा आप सचमुच में भगवान को देख पा रहे हैं। इतना सुंदर उनका भी श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बारे में तो हम बता ही रहे हैं, यहाँ पर भी सोने का आसन बनाया गया है और उसके बाद बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। फिर मंदिर से होते हुए आप जब चौथे शिखर के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती माता के दर्शन होते हैं। अब ये देखिए, ये भगवान शिव और पार्वती माता के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर गणेश जी और कार्तिकेय जी भी है। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रतिमा जो है वो नजर आ रही है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं इधर बहुत सारे लोग अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम भी हैं यहाँ पर, और कई लोगों को तो ये भी लग रहा है कि अबू धाबी में अयोध्या आ गई है, तो प्रभु श्री राम यहाँ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पांचवां शिखर, और यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, ये सब मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि जिस भाव से सनातनी सब दर्शन कर रहे हैं तो उनका दिल लग रहा है। ये मूर्ति में एक जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मूर्ति में एक दैवत आ जाता है, और उस दैवत का अनुभव आपको हर एक चेहरे पे दिख रहा है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। अभी हम लोग अयोध्या गए थे राम मंदिर में, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई और हमने मूर्ति को देखा, ऐसा लगा कि वो एकदम जीवंत है, प्रभु एकदम देख रहे हैं। वैसे आप भी मौका लगे तो अयोध्या जरूर जाइए और आप देखेंगे। और यहाँ भी आपको वही भाव आ रहा है, जिस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं। अच्छा, प्रतिमाओं को बनाने के पीछे भी जो सोच है, जैसे मैंने ये सुना कि जब जगन्नाथ जी की मूर्ति बन रही थी तो उसमें भी जो प्रक्रिया है उसका बड़ा ध्यान रखा गया, या बालाजी की जो मूर्ति बन रही थी उसे अंधेरे में कमरे में जैसे बनाया जाता है वैसे बनाया गया। हाँ, तो ये जो हमारा जो ये ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा है, उसमें कभी हम बांधछोड़ नहीं करते हैं। तो हमारे गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज थे, और अब जो महंत स्वामी महाराज है, ये बहुत ही अटेंशन देते इस डिटेल को, और ऐसा कहते जैसा शास्त्र में लिखा है ऐसा ही हमें करना चाहिए। तो आस्था की जो बात है, भक्ति की जो बात है, वो सब शास्त्र से जुड़ी हुई है, और हमारे गुरु ने हमको ऐसा सिखाया है कि शास्त्र के तरीके से ही काम होना चाहिए। बिल्कुल, और हर चीज यहाँ शास्त्र के तरीके से हुई। अब हम छठे शिखर के पास आ गए हैं, ये बताइए इस मूर्ति अयप्पा स्वामी जी के दर्शन, दर्शन हो रहे हैं। तो आपको देखेंगे कि पूर्व भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सभी जगह के से जो सनातनी आते हैं, सभी जगह का हरेक का दिल लगने के लिए एक गर्भगृह में एक तो ऐसा अवतार है, मूर्ति है, जो सही बात सबको घर, पूरा भारत अबू धाबी आ सकता है, क्योंकि संप्रदायवाद नहीं है, हरेक सनातन। और यहाँ जो प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान है, हमारे गुरु जी ने 1997 में संकल्प किया था कि अबू धाबी में मंदिर बनाना है, तो ये जो भक्त लोग आते हैं उनको भी पता चलता है कि ये गुरु जी का संकल्प था। और मैंने सुना कि गुरु जी ने शारजा में बैठ के शायद ये संकल्प लिया था, और तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ मंदिर बनेगा, तब गुरु जी ने संकल्प लिया था 1997। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अहमियत रखती है। 450 साल से हिंदू इस रीजन में रह रहे हैं, लेकिन कभी पहले ऐसा मंदिर नहीं जहाँ शिखर है, जहाँ मूर्तियाँ हैं, जहाँ भगवान के ऐसे आभूषण है, आरती, पूजा, भोग, ये सब होता है। तो पहली बार 450 साल में प्रमुख स्वामी महाराज के संकल्प से ऐसा भव्य मंदिर हर एक हिंदू के लिए बना है। सही बात है। आइए आपको अगले शिखर पर लिए चलते हैं, और उस शिखर के नीचे ये बताइए, तिरुपति बालाजी। तो और आप देखिए कितने, यहाँ भी आप ये मूर्ति देखिए, कितनी सुंदर मूर्ति, मतलब आप देखेंगे तो आप खो जाते हैं, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। और अब तो आप प्रभु के ही दर्शन कर रहे हैं, और सब कुछ जो है वो इतना प्रभावशाली नजर आता है। यहाँ भी एक नीचे चल मूर्ति रखी गई है, और ये प्रतिमा जो है वो आपके सामने है। फूलों से सजावट देखिए कितनी सुंदर है, आसपास गुलाबी रंग के जो है गुलाब लगाए गए हैं, और पीछे आसन जो है वो पूरा सोने का बना हुआ है। तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बहुत ही सुंदर मंदिर, और यहाँ से होते हुए जब आप पहुँचेंगे तो आप फिर स्वामी नारायण जी के दर्शन कर पाएंगे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप सारे शिखरों को देखते हुए आखिर में पहुँचते हैं फिर यहीं पर, और यहीं पर आप भक्ति में लीन हो जाते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा योगी जी कि ये पूरे मंदिर का दर्शन करने के बाद जो भी यहाँ आएगा वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगा, और वो जो हार्मनी का मैसेज है वो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। रिस्पेक्ट, हार्मनी, टॉलरेंस और सबके साथ एंगेजमेंट, यहाँ के जो हमारे रूलर्स हैं उनको एक बार उनकी जिक्र कर देनी चाहिए। इतने प्रेम से उन्होंने ये जमीन दी है मंदिर बनाने के लिए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक बार बात की और उन्होंने कहा चलो दे देते हैं, आप बनाइए हिंदू के लिए कुछ। प्रधानमंत्री ने तो कहा, ये नहीं कहा कि दे देते, उन्होंने कहा जहां आप उंगली रख दीजिएगा वो जमीन आपकी हो जाएगी जी। तो ये लोग ये जो हमारे लीडर्स है वही सिखा रहे कि ऐसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे एंगेज करना चाहिए, ऐसे हारमोनी का जो मैसेज है। तो हर रोज जो हर एक आदमी जो आएगा उसके लिए भी ये, तो ये दर्शन जो है वो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस अबू धाबी के मंदिर के अंदर के दर्शन आज हमने आपको कराए हैं।
कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए अबू धाबी के मंदिर से।